Adi, do you want to start the vlog? Are you? We are waiting for you to start the vlog. Say hi guys, welcome back to my channel. मेरे को लगता है मैं हमेशा व्लॉग गाड़ियों में ही चालू करती हूँ. और आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं रेस्टोरेंट लंच के लिए. संडे ब्रंच तो नहीं, लेट लंच होने वाला है. और मेरे साथ है मेरे दो कजिन्स एज यूजुअल, अदिति और गौरव. अदिति का चश्मा हमेशा उसके मुंह से बड़ा होता है क्योंकि क्योंकि उसका मुंह इतना छोटा है तो जितना भी वो ग्लेस पहनते सब बड़ा ही होता है. अदिति वो लोगों में से है जो चार दिन जिम जाती है और बोलती है ओ मैं तो जिम जाना चालू कर दी चार दिन के बाद. चार दिन के बाद कोई अपडेट नहीं है, कोई जिम नहीं है. गजब बेइज्जती है. नहीं, इसलिए अच्छा तो मेरे जैसे बन की जिम जाओ ही बन. या मेरे जैसे जब तक मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हो तब तक कर लो, उसके बाद जिम जाओ. वो मोटिवेशन कभी आती नहीं और आती तो चली जाती है. अभी एटलीस्ट हमको 1.5 आवर हो चुका है. हम लोग अपने हमारे घर से निकले लेकिन अब तक हम घूम ही रहे हैं. जिस रेस्टोरेंट में कॉल करते हैं वो बोलते हैं अभी लंच तो खत्म हो गया है. और जिस रेस्टोरेंट हमको जाना है वो हमने रास्ते गलत लिए क्योंकि हमारी बहन जो शॉटगन पे बैठी है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. मेरे को लगता है यार शॉटगन का मतलब अगर तुम यहाँ बैठ रहे हो मतलब म्यूजिक चेंज करना है, रास्ता दिखाना है और अगर रेस्टोरेंट चेंज करना है या कहीं और जाना है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लेकिन नहीं, होना था ना लाइक हर पॉसिबिलिटी वो सब गलत हुआ. वी डिड नॉट फाइंड द प्लेस, वी वर रोमिंग अराउंड. अदिति वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड्स, शी वाज वेरी बैड. Guys, we are having this lotus stem and it is amazing. Like it tastes so good and it's in your mouth na, it just has like burst of flavor, sweet, hot and spicy. It's very cool. Thank you. Cheers. Should not be moving. Okay. And this will be like a pen. Okay. We are just click it. Just practice it 2-3 times. Okay. Get it perfect. Okay, got it. Thank you. I think there's this one dish which is very famous for foo, which is the blue rice. Let me just show it to you guys. Adi, how happy are you? Because we are getting a complimentary dessert only because I asked for it. Yeah, and I made a deal with the server. Only because you are a vlogger. No, hello. I only have 215 followers. उसमें से भी दो ने unsubscribe कर दिया कल. एक्चुअली मेरा बर्थडे हमेशा कभी सेलिब्रेट नहीं होता था. और जब और मेरे आगे बहुत लोगों का बर्थडे था तो जब तक मेरा बर्थडे आ जाता तब तक सब फुसकी हो जाता था. इसलिए आई एम सो हैप्पी दैट दे हैव रिटन हैप्पी बर्थडे. देखो हाउ स्वीट दे आर. आई गिव यू द फ्रंट व्यू ऑल्सो बट आई लव यू एशियन. एशियन ना फू, आई लव फू. आज 16th of November है और हम लोग एक नए ऑफिस स्पेस में आ गए. आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे एक क्यूट सा कैबिन है और ये मंक एंटरटेनमेंट का नया ऑफिस है. और हम सब यहाँ पे आज आए, पूजा हुई, सबने साथ में मिलके खाना खाया, सब लोग एक साथ इतने साल के बाद आए ऐसा लग रहा है. गॉडविन, हाउ कंफर्टेबल आर यू इन दिस धोती लुंगी ना? यस, 10 out of 10. What? How do you like our new office vibe, man? In one word, just amazing. सब अपनी अपनी जगह बना रहे हैं नए ऑफिस में. गॉडविन ने तो अपनी जगह ले ली, मस्त वाली है सही वाली. वो सबसे अच्छी जगह थी. अब मैं कह रही हूँ ये सबसे बेस्ट जगह है. और ये चेयर मैंने वो ले ली है, उसे ले ली वो जगह. पर ये चेयर मैं ले ली. What's up, Rudo? आप कहाँ बैठे हो? In the new empire of Monk Entertainment. New empire. Or, yeah. Before the video starts. ऐसे कुछ एक्चुअली हो रहा है मेरे अंदर. सब में इतनी जान है ना कि मतलब कैसा हो गया आगे का, मतलब फ्यूचर हम सोच रहे हैं इधर.
थिंग्स कैसे आएंगे, कैसे बिल्डअप करेंगे, कैसे काम करेंगे, मतलब बाप रे बाप। बस लाएगा क्या? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे व्लॉग्स आ गए होंगे, रणबीर के होगा, गॉडविन का होगा, और कौन कर रहा है व्लॉग, क्रूडो का होगा फॉर श्योर। कितना सरियल लगता ना कि व्हेन जस्ट 3 or 4 year older पीपल टू अस आर मेकिंग सच अ बिग डिफरेंस व्हिच गिव्स अस सो मच ऑफ इंस्पिरेशन टू डू समथिंग व्हाट दे आर डूइंग और इवन टू पार्टली ऑफ व्हाट दे हैव डन। एग्जैक्टली लाइव एग्जांपल जो मैंने इधर देखा है इन द टीम दैट एवरीवन हैज अचीव समथिंग and they are also doing partially something. I agree. So means तुम एक टाइम पे खुद कितने सेल्फ फोकस्ड हो कि तुम ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो और वो भी इतना स्मूथ। और ये जो बोल रहा है ये वॉक द टॉक हो रहा है क्योंकि ये खुद शेफ है और कंटेंट क्रिएटर है और अभी मंकी एंटरटेनमेंट में भी एक पोजीशन पे है। Even if you are like me being a chef, yep. Even if you are cooking inside, there is a world outside as well. Really very nice for self ness कि तुम अपने आप को कैसे prioritize करो एक ही time पे दो पत्थरों पे पैर रखे with a skill set और दोनों पे balance like ऐसे नहीं कि ये छोड़ दिया चलो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल like because we are a startup उसमें co-founders तो ठीक है लेकिन हर कोई owner होता है if you feel ना कि you are the owner so like I feel like I am the owner of Monk Entertainment. There's so much of responsibility that I have to take and there's so much that we deliver and there's तुम अपने कंपनी में जितना एफर्ट करोगे तुम उतना भी उस कंपनी के लिए एफर्ट करोगे और तुम्हारी स्किल्स जो ग्रो होगी उसमें it just commendable. और अभी मैं आपको और थोड़े से हमारे कलीग्स से मिलाती हूँ. How do you feel? I feel amazing. And And how are you feeling? How has Monkey helped you shape your skills? 1.5 years now. And I have seen the progress in myself and like the people around me have seen growing. It's very surreal to be here also. What is your turn that Monkey has helped you discover? I think in every aspect where I can, you know, contribute all my, you know, doings. Maybe it can be reels or maybe it can be creation or management. I have explored those areas more. Your video कैसा लग रहा है वो ही बताना और comment तो जरूर करना.